everyone, this is me, the mask girl, and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई this channel is all about GDS candidates और who are already working in Department of Post as a GDS BPM, ABPM और डाक सेवक. उसी के साथ अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज दिस चैनल विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर. एंड अगेन अगर आपने मुझे अभी किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करा है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर, तो सभी सोशल मीडिया का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जिस भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो वहाँ पे जाके फॉलोअप कर सकते हो ताकि कोई भी न्यू अपडेट हो, कोई भी न्यू चेंजेस हो वो आप मिस ना कर दो. सेकेंडली व्हाट्सएप चैनल पे काफ़ी सारे जो हैं न्यू अपडेट्स आते रहते हैं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना. कोई भी फॉर्म वगैरह होता है तो उस पर मैं ड्रॉप आउट कर देती हूँ, वहाँ से आप इजिली डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हो. अगर कोई फॉर्म है, कोई भी दिक्कत है किसी फॉर्म को लेकर, तो वो आप मुझे मेरे इंस्टा पर डाल सकते हो. उनके जो लिंक है सोशल मीडियाज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जाओ ड्रॉप आउट करो अपने क्वेश्चंस क्वेरीज और वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ जो भी आपके डाउट्स रहते हैं. देन उसी के साथ आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंश्योरेंस होती है विच इज आरपीएलआई और पीएलआई. आरपीएलआई जो कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसमें क्या होता है कि जो भी सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न जो भी रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं वो अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपने नियर बाय किसी भी पोस्ट ऑफिस से. और जो पीएलआई है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसको पहले ऐसा था कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या जो अपने प्रोफेशन में हैं, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो वो करवा सकते हैं. बट अभी गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, ये कोई डिपेंड नहीं करते कि आप अर्बन एरिया में रह रहे हो या रूरल एरिया में रह रहे हो. अगर कोई भी ग्रेजुएशन की है किसी ने भी और 18 प्लस है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कवर हो रहा है, तो वो ईजिली अपनी पीएलआई करवा सकते हैं. सो आरपीएलआई और पीएलआई की बात अगर हम करें तो ये है अडल्ट्स के लिए जो कि 18 प्लस होते हैं, मतलब 19 की एज में होते हैं. सो उसी के साथ काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे थे कि मैम चाइल्ड्स के ऊपर कुछ बनाओ, चिल्ड्रंस की पॉलिसीज़ के ऊपर कुछ बनाओ, कि चिल्ड्रन पॉलिसी का जो फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है. सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट चिल्ड्रन पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म. सो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर से देखना, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप एक वर्किंग बीपीएम हो. उसी के साथ ये पॉलिसी के बारे में जो आरपीएलआई और पीएलआई हैं उस पर मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखी हैं, उनका लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में. प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना वो क्या है, क्या कैसे कैसे प्रोसीजर है, कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, ईच एंड एवरीथिंग सिंगल सिंगल चीज़ टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है. फिर भी अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन रह गया है या कोई क्वेरी रह गई है, कोई टॉपिक रह गया है, तो आप मुझे ड्रॉप आउट कर देना. मैं उस आरपीएलआई और पीएलआई दोनों के ऊपर अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो उन पर वीडियोज़ बना दूँगी. सो ये आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रपोजल फॉर्म फॉर चिल्ड्रन पॉलिसी, बच्चों की पॉलिसी के लिए जो कि 18 से कम होते हैं. देन सबसे पहले यहाँ पे आपने एक फोटोग्राफ लगा देनी है. देन जो भी बीपीएम या जो भी एजेंट इसको फिल कर रहा है वो अपनी डिटेल डाल देंगे, प्रपोजल नंबर वगैरह, ये तो ऑफिस यूज़ के लिए है. देन इसको जिस दिन आप प्रपोजल डेट डालनी है, जिस दिन आप इंडेक्स करोगे, देन डेट ऑफ डिक्लेरेशन, प्रोडक्ट टाइप, कौन सी कर रहे हो आप पॉलिसी, पीएलआई कर रहे हो या आरपीएलआई कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वहाँ पे आपने टिक कर देना है. देन चिल्ड्रंस की डिटेल आएगी यहाँ पे, जो भी बच्चे की डिटेल है, बच्चे का नाम आ जाएगा, अगर मिडल नेम है तो मिडल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, देन फादर नेम आ जाएगा, देन मदर नेम आ जाएगा, उसके साथ यहाँ पे जेंडर आ जाएगा, मेल या फीमेल. देन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर लिख देनी है. पेरेंट पॉलिसी नंबर, अगर पेरेंट्स की एग्जिस्टेंस पॉलिसी है कोई भी तो उनका वो पॉलिसी का नंबर आ जाएगा. देन एज प्रूफ यहाँ पे लगेगा कि एज प्रूफ में आप क्या लगा रहे हो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, मेट्रिकुलेशन है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो ठीक है. अगर नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ मतलब कि अगर आपके पास कोई लीगल ऐसा प्रूफ नहीं है कि बच्चा 18 से कम है, सो उस केस में क्या क्या लगा सकते हो आप, यहाँ पे दिए हुए आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हो. और यहाँ पे ओनली मंथ एंड ईयर आपको सिर्फ पता है, डेट नहीं पता है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हो. नेशनलिटी इंडियन. देन यहाँ पे एड्रेस डिटेल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे स्पेशली एक चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ परमानेंट एड्रेस इज़ सेम टू द कम्युनिकेशन एड्रेस. कम्युनिकेशन एड्रेस क्या रहता है, जहाँ पे आपको आपका प्रपोजल का पेपर बॉन्ड आएगा, आपकी पासबुक बन के आएगी, और परमानेंट एड्रेस जो परमानेंट रहता है. अगर दोनों सेम है तो सेम एज ए टिक कर देना है. यहाँ पे प्रॉपर अपना रेजिडेंस लिख के, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर वगैरह, लोकेलिटी वगैरह, आपका विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और पिन कोड प्रॉपरली सही डालना है बिल्कुल. देन एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी कॉन्टैक्ट डिटेल. कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या रहेगा, सबसे पहले फ़ोन नंबर रहेगा आपका, मोबाइल नंबर, अगर मेल आईडी है तो मेल आईडी भी ज़रूर से करें.
देन यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हो, पेरेंट्स एम्प्लॉय ऑक्यूपेशन डिटेल। सो बच्चा है, माइनर है, चिल्ड्रन की पॉलिसी है, सो ऑफकोर्स जो ऑक्यूपेशन है वहाँ पे पेरेंट का ही देखा जाएगा। सो इनमें से जो भी ऑक्यूपेशन है, गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में, रेलवे में है, बैंक में है, टेलीकॉम में है, जो भी वॉट एवर अगर प्रोफेशन में है, टेलर, लेबर, गोल्डस्मिथ हमारे यहाँ पे आ जाएगा, डॉक्टर, कॉबलर, जो भी उनका वर्क प्रोफाइल है, जो भी ऑक्यूपेशन है उस पर आपने टिक लगा देना है। देन उसी के साथ यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ एंट्री इन द सर्विस, और उसके बाद पैन नंबर, पेरेंट का है यहाँ पे बात हो रही है, मंथली इनकम और DDO कोड आ जाएगा, ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे उसी के साथ। देन उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ये पेरेंट की ही बात हो रही है, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं, टिक लगा देना है कौन सी क्वालिफिकेशन उन्होंने करी है बच्चे के पेरेंट ने। देन एडिशनल डिटेल्स क्या होएगी, अगर बच्चे का जो पेरेंट है उसने कोई भी पॉलिसी ऑलरेडी करवा रखी है, एग्जिस्ट कर रही है, सो वो पॉलिसी नंबर लिख देना, कौन सी पॉलिसी करवाई है, कितने की करवाई है और उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये है RPL PLA की बात। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर किसी और कंपनी से करवाई है, सपोज़ अगर LIC वगैरह में उनकी कोई चल रही है पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस, तो वो भी वहाँ पे भी उसको भी टिक कर देंगे। देन यहाँ से कवरेज डिटेल्स, जो आप बच्चे की पॉलिसी कर रहे हो, बच्चे की एज मैच्योरिटी क्या होगी, जब बच्चे की पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी तब उसकी एज क्या होगी, पॉलिसी टर्म कितने सालों की पॉलिसी है, 5, 10, 15, 20, 2, 3 जितना भी है वो टिक कर यहाँ पे लिख देना है। देन सम इश्योर कितने की आप पॉलिसी कर रहे हो, 1,00,000 की, 2,00,000 की, 4,00,000 की, 5,00,000 की, 10,00,000 की, वट एवर इज़ दैट यहाँ पे फिल कर देना है। देन प्रीमियम डिटेल कि प्रीमियम कितना है, देन प्रीमियम का मोड क्या है, आप कैश में दे रहे हो या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या सैलरी जैसे भी है। देन यहाँ पे आ जाएगा टिक कर देना है आपने, अगर मंथली पे करना है तो मंथली पे टिक कर देना है। देन हेल्थ के बारे में हेल्थ इन्फॉर्मेशन आप देख लेना, जो भी यहाँ पे लिखे हैं हेल्थ इश्यूज, अगर येस है तो येस लिख देना है, नो है तो नो लिख देना है। और यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे चाइल्ड का आएगा। देन यहाँ पे कुछ मेडिकल पेरेंट्स डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे 9th पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट, सो यहाँ पे जो भी है डिक्लेरेशन कर देना है पेरेंट ने, सिंपली सिग्नेचर वगैरह कर देने हैं। देन सर्टिफिकेट सुपीरियर सर्टिफाई दैट द पेरेंट ही इसको करते हैं, क्योंकि गार्डियन जो है बच्चे के पेरेंट ही हैं। देन RPLA जो भी एजेंट है उन्होंने ये फिल करना है, सिग्नेचर कर देना है। देन मेडिकल, और उसके साथ एक डिक्लेरेशन भी लगता है, डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, वो जाके आप चेकआउट कर लेना। और वो डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूरी है, मैंडेटरी है लगाना, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाना भी ज़रूरी है। अगर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि RPLA के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, मैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है सो डू सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, और जल्दी से जल्दी सभी सोशल मीडियाज़ पर जाओ, फॉलोअप करो, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है ज़रूर से ड्रॉप आउट करो। सो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। सो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन योर टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।